अनुसचित चीफ राज ठाकरे से मिलने के लिए पदयात्रा पर निकले मावा क्षेत्र के 3 दिव्यांग युवाओं का आज नोइंबई के सानपाड़ा में सत्कार किया गया। अंध युवाओं ने एक वीरा देवी से राज ठाकरे के सफल ऑपरेशन के बाद पदयात्रा करने की मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मावल क्षेत्र के 3 दिव्यांग युवाओं की मन्नत एक वीरा देवी ने पूरी कर दी है। चंद्रकांत ढगे, गणेश निम्बालकर, अजय स्वामी और रिक्शा चालक माणिक खान कोटे ने मनसे चीफ राज ठाकरे के हिप बोन ऑपरेशन के सफल होने पर मावल से मुंबई शिव तीर्थ तक पैदल यात्रा की मन्नत मांगी थी। आज तीनों दिव्यांगों का कारवां नोइंबई पहुंचने पर मनसे नेता बालासाहेब शिंदे और पदाधिकारियों ने तीनों युवाओं का सानपाड़ा हाईवे पर सत्कार किया। ये वही अंध युवा हैं जिन्हें पुणे की जनसभा में मनसे चीफ राज ठाकरे ने मंच पर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया था। पदयात्रा पर निकले युवाओं ने कहा कि मनसे चीफ फिलहाल स्वस्थ हैं, इसकी खुशी है। सन्माननीय राज साहेबांचं जे ऑपरेशन होतं ते यशस्वीरित्या व्हावं यासाठी आम्ही आई एकवीरा देवी चरणी प्रार्थना केली होती 12 तारखेलाच, आणि त्यांचं ऑपरेशन जे आहे ते यशस्वीरित्या पार पडलेलं आहे। तर आम्हाला आमची जे पाययात्रा जे काढायचं आम्ही नवस बोलला होतं देवीला, ते आम्ही पूर्ण करतोय। इस दौरान दिव्यांग युवाओं का सत्कार करने वाले मनसे नेता बालासाहेब शिंदे और विनोद पाटे ने क्या कुछ कहा, आइए वह भी सुनाते हैं। सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी की हिप बोन की शस्त्रक्रिया थी, बहुत दिन से वो पेंडिंग थी और परसों वो शस्त्रक्रिया सफल हो गई। लेकिन उसी दौरान पूना में जो राज साहब की सभा हो गई थी, उस सभा में अंध बच्चों को राज साहब ने सम्मानपूर्वक स्टेज पे बुलाया था, उनका आदर किया था, उनका सम्मान किया था। उसमें वो जो बच्चे है उन्होंने राज साहब के सेहत के लिए भगवान से मनोकामना की थी। आई एकवीरा के माथे पे 500 बार लोटांगन करके वो मावल से करीबन 125 किलोमीटर की दूरी शिव तीर्थ तक आज पैदल जा रहे हैं। आज नवी मुंबई के सब मनसे कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ सानपाड़ा में नवी मुंबई में रुका के उनका सम्मान आदर किया है और उनको आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी है। आज आनंद हो रहा है ये इस बात का कि हमारे राज साहब ने 12 तारीख को पुणे में सभा ली थी और वो सभी के दौरान अंध व्यक्तियों को स्टेज के ऊपर लाया था और वो अंध व्यक्ति ने साहब को अच्छा सेहत के लिए उनको दर्शन लेने का सोच लिया था। वो हिसाब से बीच में एकवीरा देवी का मंदिर लगा, उधर जाके उनका दर्शन लिया और साहब के सेहत के लिए प्रार्थना की और उधर से वापस अपने नई मुंबई में हम लोग बाला साहेब शिंदे हम लोग सब उनका सम्मान किया है और कल साहब ने 11 बजे का उनको भेंट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।